दीदी आपके लंबे बालों का राज क्या है? आपके बाल सिल्की शाइनी मजबूत है, मम्मी आप भी हैं, बच्चा आपका भी 7 साल का है। हमारी तो डिलीवरी के बाद इतनी सी पतली सी चोटी रह गई है, बाल भी झड़ गए हैं, ना बढ़ते हैं ना भारी हैं ना लंबे होते हैं, और डेंड्रफ वगैरह भी हो गया है, ना शाइनी है ना सिल्की है। तो आप क्या अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं? क्रीमें तो आपने बहुत सजेस्ट की, आज अपना कोई शैम्पू कंडीशनर कुछ बताया, आप बालों में लगाते क्या है? इन घने बालों का राज क्या है? तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ, क्या शैम्पू, क्या कंडीशनर, क्या सीरम, जो कि मेरे बाल जो है काफी हेल्दी रहते हैं और टूटते नहीं है, झड़ते नहीं है। और ऐसे के ऐसे आप मुझे 5 साल से, तो शायद आप यूट्यूब पे मुझे देख ही रहे हो, लेकिन अगर आप केयर करें, अपना हेयर केयर करें, तो आपके बाल इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। और अदर हैंड की आप सीरियस ना ले, कोई भी शैम्पू लगा लिया, कोई भी कुछ भी लगा लिया, ऐसे ही बस बाल पे ध्यान ना देना, बालों पे ना कोई सीरम लगाना, तो बाल तो डैमेज होंगे ही, और बहुत धीरे धीरे चलते चलते जो आपकी मोटी चोटी है वो सूखी सी पतली सी चोटी बचेगी। आप चाहते हैं ऐसा और नहीं चाहते हैं ना? और आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने बॉब कट कराया था और इतनी जल्दी मेरे बाल काफी लंबे भी हो गए हैं। तो बालों को झड़ने टूटने से रोक के बालों के ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी रोज़मेरी का ये हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम जो कि मामा अर्थ का है। और ये सीरम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैं क्या करती हूँ, इसका जो है कुछ ड्रॉप्स लिया सीरम का, ये मैं अपने स्कैल्प में लगाती हूँ। आपको क्या करना है, ये जो सीरम लिया और अपना अच्छे से स्कैल्प में लगा लेना है। आप इसको दिन में 2 बार ही अप्लाई कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए, ताकि आपके जो हेयर फॉल है वो खत्म हो जाए, बाल मजबूत बने, बाल टूटेंगे नहीं तो घने तो अपने आप होंगे, और मजबूत बनेगा स्कैल्प आपका, हेल्दी बनेगा स्कैल्प, तो लंबे भी अपने आप ही हो जाएंगे। तो अच्छे से अपने स्कैल्प में लगाए, आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के बाद कोई चिपचिपापन नहीं है, आपको इसको धोने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप इसको सुबह शाम अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही हेल्दी स्कैल्प के आप मालिक बनेंगे, हेयर फॉल आपका खत्म होगा, बाल घने लंबे मजबूत बिना झड़ने वाले अच्छे बनेंगे। एक तो मैं शैम्पू यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का, ये इतना बढ़िया शैम्पू है ना, रोज मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू विद रोज मेरी एंड मेथी दाना। अगर आपका हेयर फॉल होता है तो उसके लिए स्पेशल ये शैम्पू है। हेयर फॉल आज के टाइम में सबकी समस्या है, सबको ही काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और खास करके इस सीज़न में जो ये मानसून सीजन होता है बारिश वाला, इन दिनों में तो डेंड्रफ आना, हेयर फॉल होना बड़ी ही आम सी बात होती है। तो अगर आपको भी हेयर फॉल है तो आप मेरे ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस हेयर लॉस एंड ब्रेकेज, जो आपके बाल टूट जाते हैं या फिर आपके बाल झड़ते हैं उनको जो है झड़ना टूटना खत्म करता है। मेरे से ही फेयर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स फॉर ऑल हेयर टाइप्स, कोई भी आपका हेयर टाइप है, ऑयली ड्राई या फिर नॉर्मल, सब पे सूट करता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। सारे इंग्रेडिएंट बिल्कुल नेचुरल है, रोज मेरी स्टिमुलेट्स हेयर ग्रोथ, मेथी दाना हेल्प कंट्रोल हेयर फॉल एंड जेंटली क्लींस। तो मैंने थोड़े दिन पहले मेथी दाना का आपको एक रेमेडी बताया था ना, मेथी दाना यूज करो हेयर फॉल होता है, तो देखो ना नेचुरल तरीके से ये जो शैम्पू बनाया, इसमें मेथी दाना है, रोज मेरी है, तो ये आप इस्तेमाल करें। मैं यूज करती हूँ, नॉर्मल तरीका है वही, बाल गीला किया, अपने बालों में शैम्पू किया, बढ़िया से अपने जड़ों को साफ किया, नीचे से अपने बालों को फिर पानी से वॉश कर लिया। अगर आप कंडीशनर नहीं लगाते आपके बाल बड़े उलझे मुलझे अजीब से हो जाते हैं, मेरे तो होते हैं, आप क्या करें? कंडीशनर अगर आप लगाते हैं तो आपको पता ही होगा फायदा, अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप नोटिस करना आपके बाल बिल्कुल ही अजीब से रहते हैं, बहुत ही खुरदरे से आपको लगते हैं जब आप कंडीशनर लगाते हैं, बाथरूम में ही आप के बाल बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। तो कंडीशनर जरूर लगाना चाहिए, कंडीशनर भी सेम इसी का ही मैं यूज कर रही हूँ, मामा अर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर विद रोजमेरी एंड मेथी दाना, ऑल हेयर टाइप आपको सूट करेगा, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ठीक है। रोजमेरी स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, मेथी दाना हेल्प कंट्रोल हेयर फॉल, सारे के सारे इंग्रेडिएंट बिल्कुल नेचुरल है। यूज कैसे करना है, आपने शैम्पू किया, शैम्पू धोया, उसके बाद से अपने बालों में अच्छे से कंडीशनर लगाना है, थोड़ी सी देर उसको लगा के रखना है, फिर आपको पानी डाल के उसको वॉश कर देना है, और बिल्कुल मक्खन से आपके बाल हो जाएंगे चिकने, सिल्की, शाइनी, मजबूत, और हेयर फॉल आपका खत्म होगा। एंड मामा अर्थ हैज लॉन्च देयर ऑफिशियल ऐप, यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड
every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant. और Mamaearth एक plastic positive brand है, जितने plastic use करते हैं उसे कहीं ज़्यादा recycle करते हैं। और आपको ये product Mamaearth, Amazon, Nykaa, Purple, Flipkart पे मिल जाएगा। और अगर आप मेरा बताया हुआ coupon code MEHL2024 use करते हो, इसको सीधा Mamaearth app से buy करते हो, तो आपको extra 20% off का discount भी मिलेगा। और आपको ये products आजकल offline stores पे भी अवेलेबल है, आपने अपने आसपास भी कोई नियर बाय ऑफलाइन स्टोर Mamaearth का देखा है, वहां से शॉपिंग की है, तो मुझे कमेंट में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी ऑफलाइन भी काफी चीजें खरीदती हूँ, ऑनलाइन भी लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मन करता है ना सामने हमारा फेवरेट स्टोर हो तो वहां से चुन चुन के अपने सामने चीजें ले। और सारे ही प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट होते हैं इनके, वो नेचुरल होते हैं, कोई में केमिकल नहीं होता है, तो कोई ये मसला नहीं होता है कि कोई साइड इफेक्ट करेगा। इसलिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर डिपेंड हो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी केमिकल वाली चीज़ मैं अपनी स्किन पे, अपने बालों पे ना यूज़ करूँ, ताकि लॉन्ग टाइम में कोई साइड इफेक्ट ना दिखे। और अभी थोड़ा बहुत ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं आप यूज़ करते हैं उस टाइम तो आपकी स्किन को निखार देते हैं, आपके बालों को अच्छा कर देते हैं, बाद में जाके साइड इफेक्ट करके वो और भी ज़्यादा उसको डैमेज खराब करते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है, काफ़ी साल से मैं आपके सामने वीडियोज़ भी बनाती हूँ, चीज़ें यूज़ करती हूँ, अपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा है Mamaearth के प्रोडक्ट में यूज़ करती हूँ, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी चीज़ें अच्छी रहती हैं, बाल, स्किन, सब कुछ। तो इसलिए मुझे काफ़ी विश्वास है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट नेचुरल है।